Now, strategies for creative thinking. Firstly, you have to become more aware and sensitive to be able to notice and respond to feelings, sights, sounds, and textures around you. This means that you have to be more sensitive to your sensory organs. Unko hamesha khule rakhna hai. Then you should try deliberately to look for multiple angles of a task and situation to increase flexibility in your thinking. Now, यहाँ पर एक टेक्निक आती है ऑसबॉर्न की ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक विच कैन बी यूज टू इंक्रीज फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज टू ओपन एंडेड सिचुएशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन एंगेज योर सेल्फ मोर फ्रीक्वेंटली इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. कभी भी किसी चीज़ का जो फर्स्ट आइडिया या फर्स्ट सॉल्यूशन मिले उसको मत एक्सेप्ट करो. लुक फॉर मोर सॉल्यूशंस. यू शुड ट्राई टू गेट अ फीडबैक ऑन द सॉल्यूशंस यू डिसाइड ऑन from others who are less personally involved in the task. So feedback le sakte ho. You should try to think of what situation someone else may offer for your problems. You can give your ideas the chance to incubate. Yani ki aap second stage mein ja sakte ho ki koi idea aaya chhod do thode time ke liye chhod do ho sakta hai better idea aa jaye. You should also encourage self evaluation. Khud se evaluate karo apne ideas ko. इंडिपेंडेंटली सोचो क्या क्या आपके अपने पर्सनल डिफेंसेस हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम. यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज डिफेंसेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव. नाउ वी हैव थॉट एंड लैंग्वेज. लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट. दैट थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज एंड दैट थॉट एंड लैंग्वेज हैव डिफरेंट ओरिजिन्स. सी द थिंग इज कि आपकी लैंग्वेज और थॉट दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. लैंग्वेज से आपके थॉट्स एक्सप्रेस होते हैं और थॉट्स लैंग्वेज से आते हैं. ठीक है, आप ये सोच के देखो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको किस चीज़ के बारे में सोचना है तो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ इमेजेस के फॉर्म में सोचो. कभी कभी हम उनको वर्ड्स भी देते हैं. सो हम वर्ड्स के फॉर्म में भी सोचते हैं. सो लैंग्वेज के बिना थॉट और थॉट के बिना लैंग्वेज इज़ वेरी यू कैन से इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग. बोथ आर टू वेरी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. लैंग्वेज एज डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट. बेंजामिन ली वॉर्फ वॉज ऑफ द व्यू दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस द कंटेंट्स ऑफ थॉट्स. आपकी क्या लैंग्वेज है वो डिटरमाइन करेगी कि आपके थॉट का कंटेंट क्या होगा. इस व्यू को हम लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. इन इट्स स्ट्रॉन्ग वर्जन दिस हाइपोथेसिस होल्ड्स व्हाट एंड हाउ इंडिविजुअल्स कैन पॉसिबली थिंक ऑफ कैन पॉसिबली थिंक इज डिटरमाइंड बाय द लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक कैटेगरीज दे यूज. यानी कि ये हाइपोथेसिस एक स्ट्रॉन्ग वर्जन में ये बोलना चाहती है कि कोई भी इंसान क्या सोचता है और कैसे सोचता है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी लैंग्वेज क्या है या क्या लिंग्विस्टिक कैटेगरीज हैं. इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म. सॉरी सम इशू विद द पेन. थॉट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ लैंग्वेज. अब उल्टा देखते हैं. स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जीन पे आजे. ही बिलीव दैट थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रसीड्स इट. अब पहले क्या बोला गया था कि लैंग्वेज थॉट को डिटरमाइन कर रही है. अब ये बोला जा रहा है कि थॉट लैंग्वेज को डिटरमाइन कर रहा है. यानी कि जीन पे आजे बोलते हैं कि थॉट आपकी सिर्फ लैंग्वेज को डिटरमाइन ही नहीं करता लेकिन लैंग्वेज से पहले थॉट आता है. पहले थॉट आएगा उसके बाद लैंग्वेज आएगी. पियाजे आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन फॉर्म एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू थिंकिंग. पियाजे बोलते थे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते वो थिंकिंग की हेल्प से. वो अभी बोल नहीं सकते. दे हैव नो लैंग्वेज. लैंग्वेज अभी नहीं है. स्टिल वो उनके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं उनको वो इंटरनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लैंग्वेज इज जस्ट ऑफ just one of the vehicles of thinking. It is like a vehicle only for thinking.
Now, different origins of language and thought. Lev Vygotsky argued that thoughts and language develop in a child separately until about 2 years of age when they merge. यानी कि लेव वाइगोट्स्की ये बोलते हैं कि एक बच्चे में लैंग्वेज और थॉट साथ में डेवलप नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें सेपरेटली डेवलप होती हैं 2 साल की एज तक. देन आफ्टर 2 ईयर्स ये दोनों चीज़ें थॉट्स और लैंग्वेज एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं. बिफोर 2 ईयर्स थॉट इज़ प्री वर्बल एंड इज़ एक्सपीरियंस्ड मोर इन एक्शन. यानी कि 2 साल से पहले तक, लेव वाइगोट्स्की बोलते हैं कि 2 साल की एज से पहले तक आपका थॉट वर्बल फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है, एंड आपका थॉट एक्शन के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट होता है. नाउ दिस थॉट इज़ वेरी मच सिमिलर टू पियाजेस सेंसरी मोटर स्टेज. Then he says the child's utterances are more automatic reflexes like crying when uncomfortable than thought based. ये तो हो गई thought की बात. अब बच्चे की language development की बात करें before 2 years, तो 2 साल से पहले तक जो भी एक बच्चा बोलता है वो automatic reflexes होते हैं, ना कि actual words. ठीक है, these are not, ऐसा नहीं है कि thought की वजह से ये words आ रहे हैं या ये utterances आ रही हैं, बट ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सेस होते हैं. जैसे कि आप अनकंफर्टेबल हो तो ऑटोमेटिकली आप चिल्लाने लगते हो, कोई थॉट नहीं है उसके पीछे जिसकी वजह से एक बच्चा रो रहा है, बट वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है इसीलिए रो रहा है. अराउंड 2 ईयर्स ऑफ एज द चाइल्ड एक्सप्रेसेस थॉट वर्बली एंड हिज और हर स्पीच रिफ्लेक्स रैशनली. 2 साल की एज के बाद एक बच्चे के थॉट्स वर्बली एक्सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं. Thought is used without language when the vehicle of thinking is non-verbal such as visual or movement related. यानी कि कभी कभी आपका thought सिर्फ without language भी work करता है, जैसे कि जब भी आप non-verbal thinking कर रहे हो like visual thinking या movement related है, तब आपका thought भी language के बिना काम करता है. Language is used without thought when expressing feelings or exchanging pleasantries. कभी कभी आपकी language बिना थॉट के भी यूज़ हो जाती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थॉट ही बिना लैंग्वेज के चल रहा है, लैंग्वेज भी कभी कभी बिना थॉट के चलती है. जैसे कि जब आप ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हो, हेलो गुड मॉर्निंग, या जाते टाइम बाय गुड बाय सी यू सून, या फिर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, तो कभी कभी थॉट होता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि आप मिलते हो तो ऑटोमेटिकली देखते किसी को हाय बोला, थॉट नहीं आता कि मैं हाय बोलूं, ऑटोमेटिकली हाई निकल जाता है या हेलो निकल जाता है मुंह से. हाँ, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी उतनी बात नहीं होती है तो प्रॉबेबली आप सोचोगे, बट अदरवाइज ऑटोमेटिक हाई हेलो हो जाता है. सो दैट इज़ लैंग्वेज विदाउट थॉट. सिमिलरली जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो तो फीलिंग्स की वजह से लैंग्वेज आती है, थॉट नहीं होता. जो फील करते जाते हो ऑटोमेटिकली बोलते जाते हो आप. डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज यूज़, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक. Firstly, meaning and nature of language. Language consists of a system of symbols organized by means of certain rules that we use to communicate with each other. यानी कि language में बहुत सारी ऐसी symbols आते हैं जिनको organize किया गया है with certain rules, जिनके help से हम एक दूसरे से communicate कर पाते हैं. कोई भी language हो, कोई भी, हिंदी, English, Chinese, पंजाबी, उर्दू, whatever language there is, it has 3 basic characteristics. उसमें symbols होंगे, एक set of rules होगा जिसके basis पे ये symbols organize होंगे, and based on this organization and rules there will be communication. Some people who cannot use oral speech like the ones with severe hearing and speech problems communicate through signs. कुछ ऐसे लोग जो ओरल स्पीच को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि जो बोल नहीं सकते क्योंकि या तो उनको हियरिंग डिफेक्ट है या स्पीच डिफेक्ट है, वो लोग साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है, दिस इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ओनली. नाउ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. न्यू बॉर्न बेबीज एंड यंग इन्फेंट्स मेक अ वेराइटी ऑफ साउंड्स विच ग्रेजुअली गेट मॉडिफाइड टू रिजेंबल वर्ड्स. यानी कि छोटे बच्चे सिर्फ साउंड्स निकालते हैं और वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट के साथ मॉडिफाई होती है टू रिजेंबल वर्ड्स.
एट अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज चिल्ड्रन एंटर द बैबलिंग स्टेज, यानी कि 6 मंथ्स पर एक बच्चा बैबल करना स्टार्ट करता है. बाय अबाउट 9 मंथ्स ऑफ एज दी साउंड्स गेट इलेबोरेटेड टू स्ट्रिंग्स ऑफ सम साउंड कॉम्बिनेशंस, यानी कि 9 मंथ्स तक आते आते ये जो बैबलिंग है, ये जो साउंड्स हैं, ये स्ट्रिंग्स ऑफ साउंड्स में चेंज जाती है, यानी कि 2-3 साउंड साथ में मिल जाएंगी और एक स्ट्रिंग बनाएंगी, एक कॉम्बिनेशन बना देंगी. अराउंड द फर्स्ट बर्थडे, यानी कि 1 ईयर की एज तक मोस्ट चिल्ड्रन एंटर द 1 वर्ड स्टेज, यानी कि अब बच्चे एक वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं. ग्रेजुअली दे मूव ऑन टू 1 or more वर्ड्स विच आर कंबाइंड टू फॉर्म होल सेंटेंसेज और फ्रेजेस. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड होलो फ्रेजेस, इनको हम होलो फ्रेजेस भी बोलते हैं. वेन दे आर 18 to 20 मंथ्स ऑफ एज चिल्ड्रन एंटर 2 वर्ड स्टेज, अब बच्चे 2 वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं एंड बिगिन टू यूज 2 वर्ड्स टुगेदर, जैसे कि गिव वाटर, पानी दे दो, या फिर दे में से खाना दे दो. ठीक है, सो 2 वर्ड्स कंबाइन करते हैं. बेसिकली ये जो स्टेज है, यहाँ पर नीड, अपनी नीड स्पेसिफाई करने के लिए बच्चे 2 वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं. यहाँ पर 1 वर्ड स्टेज इज ऑल्सो नीड बेस्ड, दिस इज ऑल्सो नीड बेस्ड. आफ्टर दैट क्लोज टू देयर 3rd birthday, यानी कि 3 ईयर्स की एज तक चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट गेट्स फोकस्ड ऑन रूल्स ऑफ द लैंग्वेज दे हियर, यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है, घर में पेरेंट्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बच्चे उस लैंग्वेज के रूल्स को लर्न करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं. ऑटोमेटिकली, जानबूझ के नहीं करते, ऑटोमेटिकली होने लगता है. मोस्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्ट दैट बोथ नेचर एंड नर्चर आर इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर द बिहेवियरिस्ट फॉलो द लर्निंग प्रिंसिपल्स सच एज एसोसिएशन, इमिटेशन एंड रीइन्फोर्समेंट. There is also evidence that children produce sounds that are appropriate to a language of the parent or caregiver and are reinforced for having done so. यानी कि बच्चे वही लैंग्वेज ज़्यादातर डेवलप करते हैं जो उनके पेरेंट्स या केयरगिवर्स बोलते हैं. एंड क्योंकि बच्चों को रीइन्फोर्स भी किया जाता है, वो रीइन्फोर्समेंट स्माइल के फॉर्म में भी हो सकता है कि बच्चे ने एक वर्ड अच्छे से बोला तो आपने स्माइल किया. दैट रीइन्फोर्समेंट वर्क्स एंड द चाइल्ड डेवलप्स दैट लैंग्वेज. The principle of shaping leads to successive approximation of the desired responses so that the child eventually speaks as well as the adult. So, धीरे धीरे language shape होनी शुरू हो जाती है. Children also create all sorts of sentences they have never heard and therefore could not be imitating. बच्चे after some time जब imitation नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो sentences बनाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे sentences बनाते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुने थे. दिस मीन्स कि उनको रूल्स लर्न हो गए हैं और अब उनको कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोलने के लिए उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सेंटेंस बना सकते हैं. यहाँ पर स्किनर का एम्फेसिस ऑन लर्निंग एक्सप्लेन्स व्हाई इन्फेंट्स एक्वायर द लैंग्वेज दे हियर एंड हाउ दे ऐड न्यू वर्ड्स टू द वोकैबुलरी, यानी कि बिहेवियरिस्ट वाला है ये. चॉम्स्कीज एम्फेसिस ऑन आर इनबिल्ट रेडीनेस टू लर्न ग्रामर helps explain why children acquire language so readily without direct teaching. चॉम्स्की का जो emphasis है वो ये बोलते हैं कि हम बच्चों में, मतलब सॉरी ह्यूमन बींग्स में, बचपन से इनबिल्ट रेडीनेस होती है कि वो ग्रामर को लर्न करें, और इसीलिए बच्चे अगर आप उनको स्कूल में नहीं भी डालो, उनको डायरेक्टली आप नहीं बता रहे हो कि क्या रूल्स हैं ग्रामर के, वो फिर भी ऑटोमेटिकली लर्न कर लेते हैं, बिकॉज हमें ह्यूमन्स में एक इनबिल्ट रेडीनेस होती है टू लर्न ग्रामर. नाउ लैंग्वेज यूज. नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एंड सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज डज नॉट इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज टू अचीव द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इन अ वैरायटी ऑफ सोशल सिचुएशंस. यानी कि अगर आपको किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी और सिंटैक्स पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सिचुएशन में ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं अपार्ट फ्रॉम वोकैबुलरी एंड सिंटैक्स, लाइक प्रैग्मैटिक इंटेंशंस, रिक्वेस्टिंग, आस्किंग, थैंकिंग, डिमांडिंग.
आप एक ही सेंटेंस को आस्किंग के फॉर्म में भी बोल सकते हो और थैंकिंग के फॉर्म में भी बोल सकते हो, राइट? वो आपका स्टेटमेंट सकास्टिक है या नॉर्मल है, ये सब चीज़ें आपकी डिफाइन होती हैं कि क्या टोन और इंटोनेशन यूज़ किया है, आपने एक सेंटेंस को किस तरह से बोला है, ठीक है? सो इट इज़ नॉट जस्ट द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एंड सिंटैक्स, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज ऑल्सो नेसेसरी. चिल्ड्रन ऑफन हैव डिफिकल्टी विद चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट अटरेंसेज फॉर पोलाइटनेस और फॉर रिक्वेस्ट, एंड देयर यूज ऑफ लैंग्वेज कन्वेज अ डिमांड और अ कमांड इंस्टेड ऑफ अ पोलाइट रिक्वेस्ट. यानी कि बच्चों को अपनी बात को बताना तो आता है, पर उनको ये नहीं समझ आता कि इसी बात को पोलाइटली कैसे बोला जाए, इसीलिए वो बोलते हैं जो भी वो लगता है कि वो एक डिमांड है या एक कमांड है, ऑर्डर दिया जा रहा है आपको रादर देन आस्किंग और रादर देन अ रिक्वेस्ट. व्हेन चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन कॉन्वर्जेशंस दे ऑल्सो हैव डिफिकल्टी इन टेकिंग टर्न्स इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग लाइक अडल्ट्स, विच मीन्स कि उनको नहीं पता होता है कि कम्युनिकेशन में टर्न टेकिंग भी होती है, कि आपने एक बार बोला उसके बाद सेकेंड पर्सन आपका रिप्लाई करेगा, देन आप उसके बेसिस पे कुछ और बोलोगे. ये टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट उनको इतने अच्छे से समझ नहीं आता है. धीरे धीरे मतलब आफ्टर सम टाइम एज अ चाइल्ड ग्रोज दे लर्न ऑल दीज थिंग्स, दे लर्न द नॉन वर्बल लैंग्वेज ऑल्सो, दे लर्न प्रैग्मैटिक्स एंड अदर सच थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन. विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. I hope it was a good class and you were able to understand all the various concepts. Thank you and have a nice day.